नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, और आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का जो चैप्टर थर्ड है इसके बारे में। देखिए, यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो 10वीं यूनिट है हायर एजुकेशन वाली, उसके दो वीडियो अपलोड किए हैं और ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिफरेंस बताया जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो उस वीडियो में पिछले वाले में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दिया था। अब उसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो में बाकी की बची हुई यूनिवर्सिटीज के बारे में। इनके वीसी कौन होते हैं, चांसलर कौन होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, इनका पैसा कहां से आता है। देखिए, जो पिछले वीडियो में डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, उसका कौन होता है चांसलर, तो उसका चांसलर के बारे में बताया था आपको मैंने कि राज्यपाल जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होता। तो कौन होता है? वो खुद ही पैसा लगाते हैं सारा, जो भी बनाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, उन्हीं का ही कोई व्यक्ति जो है वो ही बैठता है उसकी पोस्ट पर, चांसलर की पोस्ट पर। जैसे मान लीजिए मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाई है और हम कुछ लोग मिले हुए हैं समाज के, हमारे द्वारा मिलकर के डीम्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। जैसे मान लीजिए बिट्स पिलानी है, वनस्थली विद्यापीठ है, जैन विश्व भारती है, वो सब डीम्ड यूनिवर्सिटी में हैं। उनके चांसलर उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, जैसा कि नाम से क्लियर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी सेंटर के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। इनको यूनियन यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है, इसी का ही दूसरा नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, यानी केंद्र सरकार के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। अब ये स्थापना कैसे होगी? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर विधेयक पारित किया जाता है, कोई कानून के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और किसके अंतर्गत ये होती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस शिक्षा विभाग, उसके द्वारा इसका नियंत्रण और नियमन किया जाता है। यानी इस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है? केंद्र सरकार का। और जब कंट्रोल केंद्र सरकार का है, बनाने वाला केंद्र सरकार है, तो इसका फंड कहां से आएगा? केंद्र सरकार से ही आएगा। और इसके साथ ही यूजीसी है, वो भी इसके लिए फंड जारी करती है। जो रूल्स और रेगुलेशन है वो सब यूजीसी ही जारी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें ऐसी होगी जिनमें सारा पैसा केंद्र सरकार ही देगी। अब इनमें बात करें कि इनका चांसलर कौन होता है, तो चूंकि सेंटर की यूनिवर्सिटी है इसलिए इनका चांसलर जो है वो ज्यादातर में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, उपराष्ट्रपति, वो होता है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, टोटल 47 यूनिवर्सिटी है अब तक पूरे भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका चांसलर प्रधानमंत्री है, और वह है विश्व भारती शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल है। शांति निकेतन है जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, उसे विश्व भारती कहा जाता है। केवल उसका चांसलर होता है पीएम, बाकी सबके होते हैं वीसी, जो उपराष्ट्रपति है, या राष्ट्रपति के द्वारा किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सब में उपराष्ट्रपति ही होगा, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। राष्ट्रपति किसी और को नियुक्त कर सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी के वीसी होंगे। अब जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, तो यहां का जो वीसी है अपॉइंट किया हुआ है, कोई व्यक्ति है अरुण के नाम से है कोई, उनको अपॉइंट किया गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित, इनके द्वारा कंट्रोल, और कौन से नियम काम करेंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, ये जो एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, इसी के अनुरूप, इसी के नियमों के अंतर्गत ये काम करते हैं। सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां है? यूपी के अंदर है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बीएचयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये सब जो फेमस यूनिवर्सिटीज हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इनके नाम मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। अब दिल्ली के अंदर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें डीयू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया इस्माइलिया है, नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, इग्नू है जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चूंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है,
लेकिन स्थापना तो उसकी सेंटर के द्वारा की गई है, और चूंकि इग्नू और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, इन दोनों को 100% जो पैसा जो फंड आता है वो सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ही आता है। तो ये भी सेंटर के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटीज हैं ये। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि किशनगढ़ अजमेर में है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर सारा कंट्रोल ज्यादातर केंद्र सरकार के हाथ में था, वही उसकी स्थापना करेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी में बिल्कुल उसके अपोजिट है, इनकी स्थापना राज्य सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित करके की जाएगी। इनके नॉर्म्स कौन तय करता है, पावर सारी किसके हाथ में रहती है, यूजीसी के हाथ में। यूजीसी के मानक के खिलाफ ये नहीं जा सकते। हाँ, ये अपना सिलेबस बनाने में, एडमिशन कैसे लेना है, फीस कैसी है, ये सब प्रोसेस में बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन मेन जो गाइडलाइन है वो यूजीसी के द्वारा ही तय होती है। सबसे ज्यादा स्टेट जो यूनिवर्सिटी है कहां पर है, यूपी के अंदर है 29। राजस्थान में जैसे एग्जाम्पल की बात करें, ज्वार ये जो JNVU जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो है जोधपुर में है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में है, MDSU अजमेर में है, RTU राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा में है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर है, ये जयपुर में है। कोटा ओपन जो है ये भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टेट के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया है। यानी जितनी मान्यता राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की है उतनी ही मान्यता कोटा ओपन विश्वविद्यालय की है। इसलिए कई विद्यार्थियों को कई बार डाउट होता है कि हमारी BEd की डिग्री है, हमारी मास्टर डिग्री हमने कोटा ओपन से की है, तो ये क्या मान्य है क्या? बिल्कुल मान्य है, स्टेट के द्वारा ही उसकी स्थापना की गई है। और ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना आपको बता चुका हूं क्यों गई है, ताकि जो लोग दूर दराज में बैठे हैं अगर वो एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी नियमों में ढील है, थोड़ा लचीलापन है। इसके अलावा हम बात करें कि स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, वो होता है गवर्नर। हर स्टेट का जो गवर्नर होगा वो इनका चांसलर होगा, और उनके द्वारा एक VC जो है वो अपॉइंट किया जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है। देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ये UGC एक्ट 1956 के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये आप जानते हैं, ये मेन चीज है। इनका जो चांसलर होता है वो गवर्नर नहीं होता। जैसे मैंने आपको डिम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था कि उनका चांसलर गवर्नर नहीं होता, वैसे ही इनका जो चांसलर है वो इन्हीं का ही व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति को चांसलर नहीं कहते। बोलचाल में चांसलर कह दिया जाता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सही वर्ड है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी उनका चांसलर कहलाएगा चेयरमैन, चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट। ये इनके लिए सही टर्म यूज की जाती है। अभी तक इंडिया में 279 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। UGC अपनी समिति भेजती है इन यूनिवर्सिटीज में कि ये हमारे मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी की मान्यता तक रद्द कर दी जाती है। जैसे राजस्थान की बात करें तो सिंगानिया यूनिवर्सिटी है झुंझुनू में, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है मणिपाल में, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सारा पैसा इनमें खुद का ही लगता है, ये खुद ही अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे जो स्टेट है वो देगा और UGC देगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंटर भी देगा और कुछ में UGC भी देगा, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है ये सारा पैसा इनका खुद का ही होता है। और इसके अलावा एक एक्ट बनाया गया है UGC में, एक्ट 2003 है ये, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेशन 2003। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो UGC ने रेगुलेशन तय किए हैं इसमें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए ये रेगुलेशन होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग इनको होना जरूरी है। अब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे की जाती है, स्थानीय विधानमंडल जो भी है एक सिंपल से एक्ट पारित करके और इनकी स्थापना कर दी जाती है। फाइनेंस की बात करें, मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा फाइनेंस जो है ये सारा खुद ही अपना पैसा लगाते हैं, इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के पास, कई बार बोलचाल में सुनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है उसके पास खूब सारा पैसा आ गया है, तो वो यही कहता है कि चलो कोई यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं,
या जैसे प्राइवेट जो भी जैसे कॉलेज होते हैं तो उनका खोलने के लिए प्रयास करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज खोल लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि खुद के पास पैसा है और वही अपना पैसा लगाएंगे, कितनी फीस वगैरह रखनी है वो तय करेंगे। यही कारण है कि जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटीज ओपन की जाती है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इनके कंपैरिजन में इनकी फीस कहीं ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर मास्टर डिग्री 1,000 रुपये में करवा रहा है तो ये 7 से 8 हजार रुपये में करवाते हैं, क्योंकि सारा पैसा खुद का लगा रहे हैं, इसलिए खुद की इनकम के प्रयास किए जाते हैं। तो ये कुछ एक स्टैंडर्ड हैं जो तय किए गए हैं। मुझे लगता है अब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंटर के द्वारा स्थापित की जाएगी, स्टेट जो है वो स्टेट के द्वारा स्थापित की जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो सेंटर के द्वारा, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और संसद में पार्लियामेंट के अंदर कोई भी विधेयक पारित करके की जाएगी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, और स्टेट और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये लोकल जो स्थानीय स्तर पे जो विधानमंडल है उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। अगर इनके चांसलर की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर जो उसका चांसलर होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। विश्व भारती जो शांति निकेतन है वेस्ट बंगाल में, केवल उस एक का ही जो चांसलर है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसके अलावा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होता है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति जिसको तय करना चाहें उसको कर सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स फाउंडेशन नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है गवर्नर, जो उस स्टेट का गवर्नर होगा वही उसका चांसलर होगा। अब जैसे VMOU कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का आ जाए कि इसका चांसलर कौन है, तो हमारे जो गवर्नर है वही इसके चांसलर होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो हमारे गवर्नर है वही होंगे। इसके अलावा फंड की बात करें तो सेंटर जो है और स्टेट ओपन वाले हैं, इनका खुद का फंड गवर्नमेंट भी देती है और यूजीसी भी देती है, लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनका सारा फंड इनका खुद का ही लगता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं ये इनके द्वारा ही तय किए जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, तो मैं ही तय करूंगा कि मेरा चांसलर कौन है, मैं खुद हो सकता हूं या मैं किसी और को अपॉइंट कर सकता हूं। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनके अंदर भी वही तय करते हैं। अभी एक नियम 2010 में यूजीसी ने चेंज किया था। क्या था उस नियम में? 2010 में यूजीसी ने यह कर दिया था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये अपना चांसलर नियुक्त कर सकती है, ये एक नियम था। लेकिन ये चांसलर नियुक्त करने का जो अधिकार था वो सही वे में नहीं जा रहा था। ये चांसलर नियुक्त किसको करते थे? जो इनका जानकार है या खुद आदमी है, जो इनकी इच्छा हो, चाहे उसने 10वीं पास भी ना की हो, चाहे उसने 10th पास भी ना की हो, लेकिन वो मास्टर डिग्री देने वाली, बड़े बड़े कोर्स देने वाली यूनिवर्सिटी का चांसलर होता था। अब यूजीसी ने इसमें चेंज कर दिया। क्या? 2010 के बाद से डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये कर दिया कि इसका चांसलर वही बनेगा जिसका शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा नाम हो, समाज में बहुत बड़ी पहचान हो कि इसने एजुकेशन के लिए कार्य किया है। यानी थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया है। तो मुझे लगता है अब इनके अंदर आप सभी को जो अंतर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपका कैसा लगा प्लीज जरूर बताएं। आपके लाइक और जो कमेंट हैं वो मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सिंपल सी बात है, आप जितने अच्छे जो भी आपके कमेंट आएंगे और जितने ज्यादा लाइक आएंगे मुझे भी और मोटिवेशन मिलेगा कि जी हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा और मैं और ज्यादा प्रयास करूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के। तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अब लगातार वीडियो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आज भी 2-3 वीडियो और अपलोड कर दूं रात को, कल सुबह। ज्यादा से ज्यादा मेरे से जितना एफर्ट्स हो सकेगा मैं उतना प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।